Good morning viewers, this is Abhijit and you are watching NS Solar Energy. Basically this particular episode is all about solar energy system. Actually in this particular episode we have discussed regarding specification of this particular solar panel. Actually jab solar panel hum log khareedne jate hai to uska piche mein ek just sticker laga hua rehta hai, usme solar panel ka details diya rehta hai. And bahut sare viewers humko question kiya by phones and by WhatsApps that सर हमको स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल्स जानना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत साइंटिफिकली टर्म यूज़ होता है इधर, सब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है. तो बेसिकली हम लोगों को पहले उसको जानकारी लेना चाहिए क्योंकि कौन सा सोलर पैनल हम लोग लगा रहे हैं, कौन सा सोलर पैनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, सब कुछ जानने के बाद ही तो हम लोग अच्छे से कनेक्शन कर पाएंगे. एज बिकॉज ऑफ हम लोग सब वेल ट्रेंड टेक्नीशियन नहीं है एंड वेल ट्रेंड इंजीनियर भी नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज जानना चाहिए खुद से सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए. बेसिकली दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज फॉर द पीपल्स हु आर वांट टू इंस्टॉल द पर्टिकुलर सोलर पैनल बाय ओन हैंड इन हिज रूफ टॉप इन हिज इन हर रूफ टॉप्स पर्टिकुलर. दिस इज अ हेल्पिंग एपिसोड. एक्चुअली मैं जो सोलर पैनल के रिगार्डिंग इतना सारा वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके लिए हमको बहुत सारे व्यूअर्स से क्वेश्चन आता है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इतना सारा व्यूअर्स हम लोग का जान पहचान हो रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से, बेसिकली दिल्ली MP एंड UP एंड राजस्थान से बहुत कॉल आता है एंड बहुत अच्छा रिलेशन उन लोगों से बन गया थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स. इतना छोटा सा टाइम के अंदर इतना ज़्यादा व्यूअर्स में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया था एज बिकॉज ऑफ वो मेरा डिस्टेंस से बहुत दूर था, मतलब मैं उतना दूर तक नॉर्मली डिलीवरी नहीं करता हूँ. एंड जो व्यूअर्स था वो हमको जब क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग, मतलब रेट पूछा था, मैं इतना रेट से लिया, मैं बोला सर इतना सस्ता में आप लोग कैसे ले सकते हैं, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस भी नहीं है, बहुत सस्ता है. एंड तब मैं उन लोगों को बताया सर आप पहले उसको चेक कीजिए, मल्टीमीटर से चेक कीजिए एंड उसका पीछे में जो लिस्ट लगा हुआ रहता है, मतलब स्पेसिफिकेशन जो दिया रहता है उसके साथ सेंस से मैच कर रहा है कि नहीं है. अगर मैच कर रहा है तो आप लोग बहुत ही लकी है कि इतना सस्ता में आपको मिल रहा है, शायद ये प्रोजेक्ट का माल हो सकते हैं. नॉर्मली रेजिडेंशियल रूपटों में लगाने के लिए नहीं, प्रोजेक्ट का माल है थोड़ा सस्ता में, प्रोजेक्ट का नाम में उठा के वो लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन ये सबके लिए अच्छा नहीं होता है. तो आपका अगर सस्ता में मिल रहा है तो आप लगा लीजिए. लेकिन तब जो व्यूअर्स था हमको पूछा था सर आज एक अच्छा से एपिसोड बनाइए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ हाउ टू आई जस्टिफाई द प्रॉपर सोलर पैनल्स and with the viewing specifications for this I have prepared this particular episode. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सोलर पैनल जो हम लोगों को पहले मिलता है उसका पीछे में जो स्टिकर लगा रहे थे उसमें थोड़ा बहुत चीज़ आप लोग देखेंगे उसमें दिया हुआ है, जैसे ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट मतलब ISC एंड VOC मतलब आपको तो पता है वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, जैसे दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव नोटिस्ड इन दिस बैक ऑफ दिस पर्टिकुलर सोलर पैनल्स. तो हम लोग पहले कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो सोलर पैनल का जो टेस्टिंग होता है ना एक स्टैंडर्ड में होता है. पहले हम लोग जब चेक करेंगे उसमें एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन रहता है एंड ऑप्टिमम टेस्टिंग कंडीशन रहता है. तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन मतलब कौन सा स्टैंडर्ड, मतलब वेदर होगा, स्टैंडर्ड सनलाइट होगा, उसके अंदर हम लोग पूरा परफेक्ट हमको मिलेगा. तो स्टैंडर्ड जो कंडीशन है, आप लोग सोलर पैनल के पीछे में एक चार्ट लगा रहता है उसमें एक आप कार्व दिखाएगा, नी टाइप कार्व बोलता है उस लोगों को, जो उसमें आपका मैक्सिमम एम्पियर्स एंड मैक्सिमम वोल्टेज दिया रहता है, ठीक है. उसमें दो चीज़ मतलब स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग कंडीशन हुआ हम लोग पहले जानेंगे एंड उसके बाद जो ऑप्टिमम स्टैंडर्ड मतलब टेस्टिंग कंडीशन हुआ हम लोग जानेंगे. जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन होगा वो है आपका 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब सूरज का रोशनी इतना ज़्यादा तेज होना चाहिए एंड आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 77 डिग्री फारेनहाइट. तो नॉर्मली आप लोगों को तो इतना अच्छा सूरज का रोशनी नहीं मिलेगा, ये आपका स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है. लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन हम लोग को हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्टिमम टेस्टिंग कंडीशन में जाएंगे. ऑप्टिमम टेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, 800 वाट पर मीटर स्क्वायर्स एंड द सूरज का रोशनी का जो पावर होगा, मतलब 800 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड द टेम्परेचर जब होगा वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जेनरली हम लोग का 27 डिग्री सेंटीग्रेड हार्ड टाइम तो नहीं मिलता है, तो हम लोग एक ऑप्टिमम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पकड़ लेंगे वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड
एंड जो सूरज का रोशनी है वो आपका है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर्स। इतना अगर सूरज का रोशनी होगा एंड आपका टेम्परेचर अगर इतना होगा तब हम लोग मापेंगे, वही वैल्यू इसका पीछे में दिया रहता है। मतलब जॉब जो स्पेसिफिकेशन जो दिया रहता है उसका जो वैल्यू है उसके साथ आपका शायद वैल्यू मैच नहीं करेगा, एज बिकॉज ऑफ वो लोग का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके वैल्यू उसमें लिखा रहता है, लेकिन आप जब टेस्ट करेंगे उसके साथ तो सेम वेदर कंडीशन सेम आपका सूरज का रोशनी तो मिलेगा नहीं, तो आपको वो थोड़ा बहुत कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता चल गया स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन क्या है एंड ऑप्टिमम स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन क्या है। तो चलिए उसके बाद में हम लोग को डिटेल्स जान लेते हैं जूस के बारे में ये वाला एपिसोड हम लोग बना रहे हैं। जो पहला चीज़ है ओपन सर्किट वोल्टेज, दैट इज नोन एज VOC। VOC हम लोगों को शायद बहुत सारे व्यूअर्स को पता है VOC, लेकिन उसका मीनिंग है VOC वोल्टेज, OCO मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब यही है आपका जो सोलर पैनल से दो लीड निकलता है, एक में है प्लस एक में है माइनस, ठीक है। अगर हम लोग एक मल्टीमीटर लेके दोनों लीड में अगर टच करता है उसमें जो मल्टीमीटर जो लोग यूज़ करते हैं वो लोगों को शायद सब कुछ पता है, एंड प्लस माइनस में हम लोग अगर टच करेंगे तब वोल्टेज कितना शो करेगा। मतलब सर्किट आपका ओपन है, सिर्फ आपको टच करना है एंड उसका वोल्टेज मेजर करना है, तो जो वोल्टेज आएगा वो है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। लेकिन इस टाइम ओपन सर्किट में आप लोगों को करंट नहीं मिलेगा, करंट आप अभी माप नहीं पाए। उसी के बाद हम लोग को मानना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट हमको कैसे मानेगा? शॉर्ट मतलब दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। आप सोलर पैनल से जो आपका इंसिबल कनेक्टर निकलता है, जो लोगों का इंसिबल कनेक्टर नहीं है आप सिर्फ वो दोनों लीड को ऐड कर दीजिए एंड उसका अंदर से क्लैमीटर लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका करंट कितना आ रहा है। तो अभी से आप लोग माप पाएंगे और उसे शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, मतलब उसके अंदर से कितना एम्पियर जनरेट हो रहा है इस वाला सिस्टम से। तो स्टैंडर्ड जो वेदर मतलब स्टैंडर्ड जो कंडीशन आप लोगों को पहले बताया, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका कितना एम्पियर जनरेशन हो रहा है शॉर्ट सर्किट में, जो दोनों लीड एक साथ मैचिंग करने के बाद मतलब एक साथ जोड़ने के बाद हम लोग को क्लैमीटर से उधर से एम्पियर को मापना है, तो आपको मिल जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ है वो आपका है मैक्सिमम पावर पॉइंट। मैक्सिमम पावर पॉइंट कैसे आपको पता चल जाएगा? मैक्सिमम पावर पॉइंट आपको पता चलेगा, हम लोग को पावर का तो रूल्स फॉर्मल सब कुछ यूज है, P = V × I, मतलब वोल्टेज एंड एम्पियर को आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पावर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो कंडीशन में है उसका अंदर कितना आपका एम्पियर मिल रहा है एंड कितना वोल्टेज मिल रहा है दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पावर मिल जाएगा। तो उसी से आपको स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम पावर है वो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। जनरली जो VOC VMP ऐसे मतलब जो स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है आप लोगों को बता दिया, सिंपली क्लियर कर दिया एंड इस थ्रू आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग उससे अच्छे से माप पाएंगे। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है रिगार्डिंग हाउ टू मेजर द वोल्टेज एंड एम्पियर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोलर पैनल में, मेरा जो रूटॉप पे जो सोलर का लूम सोलर का 440 वाट का सार्क बाईफेसियल पैनल लगा हुआ, उसमें कैसे हम लोग उसमें जो वोल्टेज एंड एम्पियर है वो एक क्लैमीटर थ्रू हम लोग मापा है, वो आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं। आई लिंक में आधा लिंक आ रहा है, अगर नहीं लिंक आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसमें देख सकते हैं पहले हम कैसे हम लोग उसमें वोल्टेज एंड एम्पियर माप रहे हैं, उसमें आप आराम से सीख जाएंगे कैसे हम लोग माप रहे हैं। अदरवाइज़ आप एक क्लैमीटर लेके मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए एंड आराम से माप पाएंगे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा एंड थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन है आप लोग नीचे में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को अगर अच्छा लगा इतना दूर तक अगर देख लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने में मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब से मेरा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो होगा। एंड लास्ट में जो चीज़ हम लोगों को सब कुछ बोलता हूँ वो है ऑलवेज यूज रिन्यूएबल एनर्जी, सेव नेचर सेव अर्थ। थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।